एकदम बेकार मूवी, कुछ मजा नहीं आया। मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग्स अच्छी नहीं लगी। कॉमेडी कम पड़ गई इस बार। मूवी एकदम बेकार मूवी, कुछ मजा नहीं आया। मूवी में कुछ था ही नहीं देखने लायक। स्टार्ट टू एंड पिक्चर एकदम बोरिंग थी, एकदम फ्लैट थी। क्या आपको मतलब खराब लगा? एक्चुअली सब कुछ खराब लगा, कुछ था ही नहीं मूवी में देखने लायक। स्टोरी खराब है, कॉमेडी खराब है, हॉरर भी था नहीं, और उसमें जितना भी एक्शन था एक्शन भी कुछ भी नहीं था। खाली जो VFX था वो अच्छा था, और ठीक ठाक म्यूजिक और BGM था, उसमें एक गाना अच्छा था और ठीक ठाक BGM और म्यूजिक था। और वरुण धवन का काम कैसे? वरुण धवन ने जो जैसा ठीक मतलब वो जो पोस्ट कॉमेडी रहते हैं उसकी वही कॉमेडी है जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और बोलना चाहोगे कि जो बाकी जो साइड कैरेक्टर्स थे, टोटल पिक्चर में 4 ही कैरेक्टर्स थे। जो साइड कैरेक्टर थे वो दो दोस्त थे, वो जना वो जो इसमें थे स्त्री में, उसका स्त्री में कैरेक्टर कितना अच्छा था, इसमें तो कुछ मज़ा भी नहीं आया। उसके वन लाइनर्स भी हिट नहीं कर रहे थे, कुछ कॉमेडी में मज़ा ही नहीं आ रहा था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मूवी से? मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी हॉरर कॉमेडी इतना अच्छा जॉनर है तो कुछ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि स्त्री थी, हॉरर कॉमेडी इतना अच्छा था, जैसे कि बहुत सारी हॉरर कॉमेडी इतनी अच्छी रहती है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहूँगी? ऑडियंस को बोलूँगा कि पिक्चर मत देखो, फ्री में भी मत देखो। फ्री में भी मत देखो, पिक्चर देखो ही मत, जाए मत। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, पर एम्बुलेंस रेडी रखना, शायद कोई भी गिर भी सकता है, तो बेहोश हो सकता है। 2-3 जन तो पिक्चर के बीच में भाग गए, भाग रहे थे, भाग लिटरली ऐसे भाग के निकल गए। लेकिन एक किधर गायब हो गए। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? मतलब आपको ये मूवी किस लिए देखनी चाहिए? एक्चुअली देखनी क्यों देखनी चाहिए उसके लिए तो रीजन नहीं है। क्यों नहीं देखनी चाहिए उसके तरह 100 रीजन है, वो जो बता दिया वही। अच्छा, मूवी का आपको कोई एक बेस्ट पार्ट लगा होगा पूरी मूवी में, कोई एक सीन जो अच्छा लगा? एक बोला ना VFX अच्छे थे ना, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन था उसका, और फिर एक एंडिंग में भी उसका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन था, वो भी अच्छा था। आउट ऑफ 5 इसको स्टार्स तो मिलने नहीं चाहिए, इसको तो बैन करना चाहिए पिक्चर को, इसे स्टार्स तो मिलने नहीं चाहिए। डायरेक्टर को क्या बोलना चाहिए? डायरेक्टर को बोलना चाहोगे, उसने अभी अच्छी अच्छी मूवी बनाई, जैसे बाला बनाई उसने, उसके पहले स्त्री भी बनाई, अच्छी मूवी बनाई है। उसको थोड़ा एक्सपेक्टेशंस तो लेके आए थे कि वो ऑलरेडी इतना अच्छा किए है हॉरर कॉमेडी जॉनर में, तो कॉमेडी भी अच्छे मूवीज की है, तो फिर एक्सपेक्टेशन तो थी, पर अभी कुछ पता नहीं अभी क्या हो गया, डायलॉग में गलती होगी, कुछ मजा नहीं आया। मीन्स उसमें नेचर के बारे में बताया था कि ये मतलब फॉरेस्ट जो कट नहीं करना चाहिए ज्यादा करके, ऐसे वरुण धवन का परफॉर्मेंस बहुत बहुत सही था। आउट ऑफ 5 10 out of 10 मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग मूवी थी। वरुण धवन ने इससे बहुत अच्छा काम किया। पैसा वसूल तो नहीं कह सकते, बट अच्छा काम किया वरुण धवन ने। कृति सैनन की एक्टिंग उतनी खास नहीं है, बट लास्ट में उनका जो एक्टिंग है थोड़ा सा देखने लायक है, लास्ट में एकदम चौंका दिया उन्होंने। मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मूवी में 2 मैसेज दिया गया है कि अगर आपको हिंदी बोलने नहीं आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन नहीं हो, और ये भी मैसेज दिया गया है कि हमें नेचर की कैसे रक्षा करनी है। ओवरऑल मूवी बहुत इंटरटेनिंग है। और सॉन्ग्स? सॉन्ग्स मुझे सॉन्ग्स अच्छी नहीं लगी, नहीं सॉन्ग्स अच्छी नहीं लगी। टुमकेश्वरी वगैरह वो सब सॉन्ग नहीं, उतनी अच्छी नहीं थी, बट हाँ इंटरटेनिंग कह सकते हैं। आउट ऑफ 5 कितना रेट? हाँ आउट ऑफ 5 कितना रेट? 4 स्टार। थैंक यू। उत्तम रावास बहुत मस्त। अच्छा भाई, बहुत अच्छे अच्छे ओके अच्छी है अच्छा अच्छी अच्छी चल वाज गुड भेड़िया, मतलब कि जिस हिसाब से भेड़िया नाम रखा गया उस हिसाब से पिक्चर को प्रूफ किया है, और वरुण धवन एक नेक्स्ट लेवल का एक्टिंग किया, और पिक्चर का BGM इज़ वेरी गुड, पिक्चर के सॉन्ग अच्छे हैं, जैसे जंगल में कांड हो गया बड़ा गुड सॉन्ग, और वो जो ठुमकेश्वरी सॉन्ग है वो नहीं दिया गया, लेकिन कहाँ ना कहाँ पिक्चर बहुत अच्छी है। मतलब कि अभिषेक इसके जो डायरेक्टर है कौन है वो समथिंग, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, बहुत सुपर डायरेक्शन दिया, और पिक्चर आपको स्टार्टिंग से एंड तक पकड़ के रखती है। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, अभिषेक सर का काम अच्छा है, दीपक दोबरियाल का काम अच्छा है, कीर्ति शेनॉन इज आउटस्टैंडिंग सुपर्ब, एंड ओवरऑल द मूवी इज वेरी गुड।
So Bollywood's coming second time with a super duper blockbuster. दृश्यम वॉज गुड, दृश्यम एक 100 करोड़ का क्लब हो गया कल ही, और मेरे ख्याल से काना का भेड़िया भी अच्छा ही है, और इसके यंग ऑडियंस को ज़्यादा पकड़ेगी, यूथ को पकड़ेगी, ओवरऑल मिक्स रिस्पॉन्स आएगा। और वरुण धवन एक नए एक्टिंग में, नए लेवल में उन्होंने प्रूव कर दिया, ही इज़ अ सन ऑफ डेविड धवन एंड ही हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब। अब बॉलीवुड यस, बॉलीवुड VFX 100% प्रूव कर रहा है, आपको कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं देगा। VFX उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही एंटरटेनमेंट बना, सुपर बना, एक्सेलेंट बना। आउट ऑफ 5 कितना रेट? आउट ऑफ 5 मैं इनको 4 दूंगा सर। यस सर। मूवी बहुत अच्छी है एक्चुअली। वरुण धवन का काम ही सबसे अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट वरुण धवन मूवी। आई एम वरुण धवन बिगेस्ट फैन। वरुण धवन बहुत पसंद है और मैं उनकी हर मूवी फर्स्ट शो देखता हूँ, तो मुझे लगा कि अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, जरा कॉमेडी कम पड़ गई इस बार। अमर कौशिक का थोड़ा डायलॉग, क्योंकि उनका स्त्री में जो कॉमेडी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसमें कॉमेडी थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन स्टोरी के हिसाब से मेरे को लगता है कि कॉमेडी उस टाइम पे मैच बन गई, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। मूवी का बेस्ट सीन आपको अगर कोई स्पॉइलर दिए? अच्छा, ओके, इंटरवल के पहले के 5 मिनट और लास्ट के 30 मिनट सबसे बेस्ट है। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? फैमिली एंटरटेनमेंट है, धमाका, एकदम पैसा वसूल है, फैमिली से आके देख सकते हो पूरी मूवी। और सॉन्ग्स के बारे में क्या है? सॉन्ग एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से मेरे को लग रहे थे मैच हो रहे थे क्या नहीं, लेकिन लास्ट का जो अरिजीत सिंह का था अपना बना ले पिया, वो बहुत अच्छा था। आउट ऑफ 5 कितना रहे? 4। कैसी लगी भेड़िया फिल्म? वरुण धवन की है और वरुण धवन के लिए ही हम आए थे देखने के लिए, और वरुण धवन ने जो काम किया है वो अच्छा काम है, जो उसकी एक्टिंग है वो बहुत अच्छी एक्टिंग है उसकी। और रही बात दूसरी की, पहले ये ऐसी फिल्म आ चुकी है जो उसका नाम संजू कुमार की जाने दुश्मन है, और राहुल रॉय की जुनून है, और इसी तरह ये भेड़िया का बताया है। और ये इसमें एक पॉइंट ऐसा बताया कि भाई जंगल से हम जो खेल रहे हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति को हम संभालना चाहिए, और जानवर को भी हम रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको भी जैसा जानवर और प्रकृति दोनों मिला के हमको संभालना चाहिए, इंसान के हाथ में, ये बताया है फिल्म में। मूवी का बेस्ट सीन आपके हिसाब से जो? मूवी का बेस्ट सीन है एक दोनों जो जब दोनों भेड़िया जब उसे पता चलता है कि हीरोइन भी बताऊँ तो चलो, हाँ तो कोई सस्पेंस बात ऐसी है कि कुछ बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी सस्पेंस हार्ड है, आखिरी लास्ट में खुलता है सस्पेंस, और एक बार वो आदमी देख सकता है कोई भी फिल्म में, और पार्ट बोले तो इंटरव्यू के बाद अच्छी फिल्म है ये। आउट ऑफ 5 कितना रेट कर? जो 4 दे दूंगा। और ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? ऑडियंस देखा जी प्रकृति के और जो हमारे जानवर के है और हमारा जो ऊपर वाले ने जो संसार हमें दिया है ना उसे संभाल के रखना चाहिए, यही मैसेज है इसको। धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी मूवी, as amazing as BD is, so it's really good. कृति सनन के बारे में क्या? कृति सनन perfection, so really nice. मूवी का best part आपके हिसाब से? मूवी के best part, without spoiler, मूवी का एवरीथिंग इज़ वेरी गुड अबाउट द मूवी, स्पेशली द VFX एंड ऑल बहुत अच्छा किया गया है, एंड आई गेस ऑल द ऑडियंस वुड लव टू वॉच इट। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट अपने जॉनर से, सो इट्स रियली नाइस। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? जाइए प्लीज देखिए मूवी, एज ऑलवेज वरुण धवन इज ग्रेट टू वॉच, सो आपको एक्साइटमेंट, थ्रिलर, हॉरर सब देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंप्रूव कर रहा है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा कर रहा है। आई गेस ब्रह्मास्त्र के बाद दिस इज द सेकंड मूवी दैट आई हैव लाइक्ड अ लॉट, सो प्लीज जाके देखिए। आउट ऑफ 5 कितना रेट? 4.5।